चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश कांग्रेस की सोई सरकार को जगाने के लिए राजगढ़ जिला मुख्यालय पर घंटानाद कार्यक्रम किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने शंख झालर का शंखनाद कर सरकार को जगाया, साथ ही कलेक्टरेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर, क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर सहित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। भाजपा के घंटानाद कार्यक्रम में जिले भर से शामिल हुए। खिलचीपुर नाके पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार निरंकुशता की ओर बढ़ रही है। किसानों को ऋण माफी का वादा किया और सत्ता में आकर किसानों के साथ धोखा कर वादा खिलाफी कर दी। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मंत्रियों में आपस में खींचतान चल रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रदेश सरकार गंभीर नहीं है। भाजपा द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जगाने घंटानाद कार्यक्रम रखा। यहां से एक रैली प्रारंभ हुई। कार्यकर्ता शंख झालर बजाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पिछले 3 दिनों में खातेगांव क्षेत्र में लगभग 18 मिलीमीटर वर्षा हुई है।